विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के प्रशासनिक कार्यालय परिसर में डीजीएम और सदर सांसद ने पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी मनाया। इस संबंध में सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने बताया कि हम सब का यह दायित्व है कि हम सब प्रकृति के प्रति अपना फर्ज निभाएं और हर व्यक्ति हर साल कम से कम 2 पौधा जरूर लगाए। इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम प्रकाश चंद बरोड़, नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक शेखर ठाकुर, संजय कुमार जायसवाल, मनीष मठपाल, संदीप सिंह पवार, वीपी त्रिपाठी, विनोद कुमार, परसून कुमार, जितेंद्र कुमार के अलावा मुख्य प्रबंधक श्वेता श्रीवास्तव, कविंद मोहन जोशी, संजय कुमार, राजेश गुप्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम प्रकाश चंद बरोड़ व सदर सांसद रवि किशन ने बताया। हो गया? बोले सर, इसी जमाने में गाना आता था। थोड़ा डिस्टेंस आप लोग एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, थोड़ा डिस्टेंस आप एक मीटिंग उनके घर पर नहीं, ये स्टेट बैंक की तरफ से। मैंने इनसे कहा कि जब तक आप हमें कुछ देंगे कहे ना, मैं आपका मेरा अकाउंट है पार्लियामेंट में आपका अकाउंट। थैंक यू प्रकृति का बे इम्तहा दोहन कर रहे हैं, कैसे रह पाएगा सब कुछ ठीक ठाक जिनकी सकारात्मक सोच पर्यावरण एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश वो सारे कार्यक्रम हम बड़े स्तर पे नहीं कर सकते। पिछले साल हमने गोरखपुर अंचल जो मॉड्यूल है गोरखपुर, यहाँ पे हमने एक दिन में 5,000 पौधे लगवाए थे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन 5,000 पौधों में से नॉर्मली होता है कि बचते नहीं है, लेकिन उसमें मेजोरिटी आज भी बचे हुए हैं। बट उनकी कीर्ति, उनकी ख्याति, उनका यश ऐसे ही दिनों दिन बढ़ता रहे और बहुत पर्यावरण संकट पर मंथन न कर रहा हूं। पात पात में प्रभु बसत है, वाकी को शीश न मांगूं। ये बात संत कबीरदास ने 15वीं शताब्दी में कही थी। हम लोगों ने उस समय अगर सुना होता तो बहुत सी चीजें जो बिगड़ती हुई आई न बिगड़ी हुई थी। और अभी सपोज कोरोना के पीरियड में अगर सुन ले तो सावधानी तो जीवन में कभी भी ली जा सकती है, हो सकता है आगे और न बिगड़े। अन्यथा जो शंका मनोज जी को थी अपने संचालन में बोल रहे थे, संभावना तो रहेगी कि अगर हम अब यह जीवन ट्रक के पीछे लिखे हुए सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी हो गई है। एक चिकित्सक हूं इसलिए कह रहा हूं, यह क्रम कोरोना के साथ थमने वाला नहीं है। अभी तो कोरोना ही नहीं थमने वाला है और वास्तव में कोरोना के साथ कोरोना के बाद इस प्रकार की बीमारियों की तीसरी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि पर्यावरण का दिवस है। जैसे जैसे हम जंगलों में प्रवेश करते जाएंगे, जंगलों को काटते जाएंगे,
जिस भी कारण से काटे, काटने वाले को तो हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि वो सिर्फ आज का सोचता है और आज से अधिक वो सिर्फ अपना सोचता है। वैसे वैसे हम बहुत सारी बीमारियों से एक्सपोज होते चले जाते हैं। और ये सब हमारे कर्म है और जितना हम लोग करेंगे, समझाया जा रहा है, पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, बड़े बड़े हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं, मुहिम छेड़े हुए हैं, पूरा देश छेड़ा हुआ है, SBI भारतीय स्टेट बैंक की तरह अनगिनत लोग NGO उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन मानव तो मानव है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, वैसे मानव है कुछ नहीं तो कल हथनी को, प्रेगनेंट हथनी को पटाखा खिला के मार दिया। तो ये मनुष्य करुणा चल रहा, मृत्यु हो रही है, लेकिन अपने वो अपने अंदर के दरिंदा को जिंदा रखा हुआ है, अपने अंदर के जानवर को मरने नहीं दे रहा। तो दुख तो बहुत है, कहां जा रहा है, धरती खत्म हो रही है, विश्व खत्म हो रहा है, हम तो चाहेंगे खत्म, अगर ऐसे ही सब चल रहे हैं तो खत्म ही हो जाए एक ही टाइम में, खेला खत्म कर दे प्रभु। मांगते रोज हैं, सुबह उठ के पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं, क्षमा कह दो, कोनो गलती हो गई तो धरती के संहार ला, महादेव से मांगी ला, लेकिन मनुष्य दरिंदा बनता रहेगा, सुधरेगा नहीं, तब का कहेगा, एक ही टाइम में भस्म हो जाए सर। अब आप देखिए फोटो ले लिए और ये ठीक हो गया, चलो 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 भले खाए कान सुना था वहां था। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पे भारतीय स्टेट बैंक ने एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। आज के दिन हम हमेशा से पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारी गतिविधि करते हैं, लेकिन इस बार इस कोरोना और लॉकडाउन के कारण हमने इसे बहुत ही साधारण तरीके से सारे मानक मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हमने एक कार्यक्रम किया है वृक्षारोपण, जिसमें आज हमारे सदर सांसद माननीय रवि किशन जी, नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल जी ने भी यहाँ पे आए और उन्होंने वृक्षारोपण किया है। एक पुस्तक विमोचन का भी कार्यक्रम ये शहर के एक बहुत ही उच्च कोटि के लेखक हैं, रंगकर्मी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो आज के इस अवसर पे उस पुस्तक का विमोचन भी माननीय सांसद के हाथों से किया गया है। और आज इसके साथ में दो और भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन हैं, आज जो एक क्रांतिदाता, एक क्रांतिकारी विचारक थे जो अपने वक्त से बहुत आगे थे, कबीर दास जी महाराज, जिनकी जन्म जिनका निर्वाण स्थल यहाँ से पास में ही है, उनका भी आज जयंती है, वो भी हमने यहाँ पे सादर किया। और साथ में हम सबके प्रिय गोरखपुर के गौरव और उत्तर प्रदेश के गौरव माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का भी जन्मदिन है, तो हमने उनको भी आज के जन्मदिवस पे बहुत सारी शुभकामनाएं दी। आज अभी मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि यहां पे ऐसे व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री बने हैं,
हमें बहुत सारा गर्व है उन पे, और हम चाहते हैं कि, और वो कर भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, इस देश का बहुत विकास करें आने वाले दिनों में, उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें, बहुत ही आगे तरक्की करें। सर, आपके द्वारा क्या अपील है पर्यावरण दिवस पे? पर्यावरण दिवस पे हर बार हम सभी से एक अपील करते हैं, इस बार फिर कर रहे हैं कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटी गतिविधि है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप कूड़ा जो है एक सही जगह पे फेंकिए, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग जगह पे करके फेंकिए, आप रास्ते पे कुछ कचरा ना करें, आप पानी व्यर्थ ना बहाएं, आप पेड़ों को ना काटें, आप जहाँ कहीं संभव हो आप एक वृक्ष एक पौधा लगाएं, आप जहाँ कहीं संभव हो आप जो पर्यावरण को दूषित करती हैं वो मशीनों का उपयोग कम से कम करें। अगर हम सब ये करते हैं तो ये जो हमारी माँ धरा है, ये हमारी पृथ्वी है, ये सुरक्षित रहेगी और हम सबको भी बहुत सुरक्षित रखेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं ये कहूँगा कि आज हमारे अद्भुतास मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी गुरुदेव का जन्मदिन है, और उसके साथ पर्यावरण दिवस तो बहुत सुंदर ये मौका है। और आज हम लोग यहाँ पर, जैसे कि आज हमारे SBI बैंक ने एक कार्यक्रम रखा जहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय संघ सेवक की किताब का विमोचन किया पांडे जी द्वारा, तो आज इतना सुंदर माहौल था ये, और आज का बड़ा सुंदर दिन है कि आज हमारे महाराज जी का जन्मदिन, पर्यावरण दिवस, आज हम लोग वृक्षारोपण करेंगे यहाँ पर, और एक अच्छा संदेश देश में जाएगा कि जो आज नेचर हम लोगों को तमाचा मार रहा है, वो अगर हम लोग अभी जागते नहीं हैं तो बहुत ऐसा समय आएगा कि ये धरती फट भी सकती है और हम सब लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए पेड़ काटना, इसलिए कि हम कह रहे हैं बिल्डिंग इमारत बनाएं लेकिन पेड़ भी लगाते रहें। हम ग्रोथ प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ इमारत बना रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या पेड़ काट रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपको उसके दुगने पेड़ कहीं लगाने चाहिए, और इस तरह धरती को आपको बैलेंस करना चाहिए। पर्यावरण दिवस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जानना कि कैसे आप इस धरती को बचाएँ, कैसे आप अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएँ, और ये वो दिन है। और आज हम लोग आएँ, SBI बैंक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये गोरखपुर हेडक्वार्टर ब्रांच है इनका, तो आज ये मौके पर हम आए, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके द्वारा क्या अपील है पर्यावरण दिवस पे? मेरी अपील ये है कि आप सब लोग भैया हो, सब लोगों से हाथ जोड़ के निहोरा बा, निवेदन बा, हम सदर सांसद रवि किशन शुक्ल कि जितना हो सके पेड़ लगावा, अब गांव देहात में पेड़ ढेर बा तबो लगावा, दुआरे एक एक पेड़ सब लोगन के लगाए के चाहिए, ये जीवन में इससे पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य है। तुलसी जी का भी पेड़ लगा रहे हैं, तब भी पेड़ लगाइए, इससे सुंदर अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं। पेड़ लगाइए, प्राणियों की रक्षा करिए, मानवता की रक्षा करिए, धर्म की रक्षा करिए, संस्कृति की रक्षा, प्रेम सौहार्द से रहिए, यही हम कहना चाहेंगे।